ये हमें बड़ा परेशान करता है। लेकिन क्या परेशान करता है? माई सदा पूछने लगी, क्या परेशान करता है? यदि वत्सान उंचान ये हमारे घर में आता है, आगे क्या करता है? हमारी गौशाला में जाता है, गौशाला में जाकर के क्या करता है? शाम के समय बछड़े खोल देता है। माई सदा कहने लगी, तुम्हारा काम तो करता है, दूध निकालने का काम करना होता है तो बछड़े को तो पहले छोड़ते हैं ना, ये तो तुम्हारा काम ही तो करता है। कहले के काम करे तो कोई बात नहीं, वत्सान मुंचान कवचित समय क्रोध संजात हंसा। और क्या करता है? जब तक हम जाते हैं सारा दूध बछड़ों को पिला देता है। लेकिन सारा दूध बछड़ों को पिला देता है, इसका मतलब है तुम बछड़ों को पीने के लिए नहीं देती, उनको भूखा रखती हो, तभी तो वो दूध पीते हैं। क्यों रखती हो भूखा? तब ये तुम्हारा काम करता है। स्तेयम स्तेयम स्वादमनते तदिपये कल्पते स्तेययो वः। ये कभी कभी हमारे घर में जाता है और दही के पात्र को उठाता है, दही खा करके उस पात्र को फोड़ देता है। माई सुधा कहने लगी, तू झूठ बोलती है, मेरे घर में 9 लाख गमों की दही होती है। कन्हैया से पूछा, क्यों रे कन्हैया, तू इनके घर में जाता है? कन्हैया बिल्कुल नहीं जाता, मेरे को तो दूसरे ग्वाल बाल लेकर के जाते हैं, मैं तो जाते ही नहीं। लेकिन तू इनके घर में जाकर के दही माखन खाता है? भैया मैं नहीं खाता, वो मेरे मुंह से लपका देते हैं। भगवान आई नहीं पी देते, भगवान कोई बात चलने नहीं देते। एक गोपी कहने लगी, ये ऐसा दुष्ट है, ये हमारे घरों में जाता है, अगर अपने आप मक्खन खा ले तो कोई बात नहीं, अपने आप दही खा ले तो कोई बात नहीं, ये क्या करता है? पहले क्या करता है? कहने लगी, खुद तो खाता है मगर फिर बंदरों को खुवाता है। माँ ने पूछा, बेटे क्या बात है? भगवान ने मन ही मन कहा, भगवान ने बोल करके नहीं कहा, मैया इन बानरों ने तेतरा त्रेता युग में मेरी बड़ी सेवा की है। त्रेता युग में तो ये पत्ते खावे थे और मैंने इनसे वादा किया था, तो अपन युग में तुम्हें खूब मजाक कराऊंगा, खूब मक्खन खाऊंगा, अभी ना खिलाऊंगा। कहने लगे, मैया बानर तो मक्खन खाते हैं, बानर तो फल फूल खाते हैं, ये गोपियां सब झूठ बोलती है, सब झूठ बोल। आज एक गोपी ने क्या किया? हाँ जी, समोल की गोपी थी वो बिचारी, उसने मक्खन निकाला और क्या किया, भी आज इसको पकड़ूंगी, और पति पत्नी जो थे मक्खन को बीच में रख लिया, और पति पत्नी दोनों बराबर में सो गए वृंदावन। और क्या किया, एक घंटी लटका दी माखन के ऊपर, एक घंटी लटका दी और उस घंटी की रस्सियां अपने हाथ में दे दी। जिस समय आएगा पात्र को हाथ लगाएगा तो घंटी बजेगी और दोनों उठ करके उसको पकड़ लेंगे। वृंदावन की जय। अभी आया दोपहर के समय आया, दोपहर के समय आकर के देखा दोनों पति पत्नी सो रहे हैं, तो पति की मूछ जो थी ना, बहुत बड़ी मूछ थी। अब उसने क्या किया, अच्छा घंटी को देख लिया भगवान ने, पहले तो आकर के भगवान ने घंटी से प्रार्थना की, हे घंटी देवी, प्रसाद लगता है तो लोग घंटी बजाते हैं, मगर आज तुमने बजना नहीं है, मैं प्रसाद लगाऊंगा। अब घंटी ने तो भगवान की आज्ञा मानी, ये शास्त्र की बजाते हैं घंटी को, कहा बिल्कुल नहीं बजना है, आज मैंने भोग लगाना है। और क्या किया आकर के गोपाल जी ने, जो पत्नी की चोटी थी, पत्नी की चोटी को पंडित जी की मूछ के साथ ग्रंथी कर दिया, बांध दिया, बंद करके, और वो तो बड़े आराम से सो रहे हैं। आहिस्ता से घंटी तो बंद हो गई, रस्सी हाथ से छूट गई, घंटी जो थी वो कैसे बजे, और आहिस्ता से माखन के पात्र को उठाया, माखन के पात्र को उठाया और माखन को खाया, ग्वालों को खिलाया और पात्र को वहीं पर भिन्नति ही फोड़ दिया।
जो ही पात्र के टूटने की आवाज आई, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पात्र के टूटने की आवाज आई, पति पत्नी जागे और जागे महाराज, पति पत्नी को गालियां निकाले और पत्नी, ये क्या करते हो, मेरी भी चुड़िया को फाड़ दिया। और वो कहता है, ये क्या करती है, मेरी भी तूने मूछ को फाड़ दिया। दोनों को तब तो ये ऐसा शरारती भी है, ऐसा विनोदी भी है। आज एक गोपी ने पकड़ लिया हुआ, एक गोपी ने पकड़ लिया भगवान को रंगे हाथों और ले गई है, ले गई गोपियां कहां कट गई। अरे कन्हैया, तो हमारा माध्यम चुराता क्यों है, हमारी गोद में बैठ करके खा लिया जाएगा, तू चुराता क्यों है हमारा माध्यम। एक बात बता, ये गोपी ने कहने लगी, देवर जी तुम मेरा माध्यम चुराते क्यों हो, मेरी गोद में बैठ करके खा लिया करो, जितना तुम्हारा मन करता है मिश्री मिला करके खिलाऊंगी, उतना खाया करो ना, मगर क्यों चुराते हो। और लिखा क्या लिखा, वो गोपी कह रही है, उसे गोपियां कहा करती थी, ओ मेरा मक्खन ना चुराओ शाम पैया पड़ो, चलाते हैं भगवान। और आज नारद जी महाराज, नारद जी महाराज ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को कहने लगे यहीं पर बैठे रहो, वो देखो नीचे देखो, तीनों लोकों का स्वामी गम में चलाता है, तीनों लोकों का स्वामी गम में चला रहा है। ब्रह्मा जी आकाश में देखते हैं, ब्रह्मा जी ने देखा तो पहर के समय में एक मिनट के लिए बोले श्रीमन नारायण नारायण, सबसे पीछे उस ग्वाले का नाम था मधुमंगल। क्यों जी सांदेव जी, वो कौन था मधुमंगल, वो बेचारा सबसे गरीब ग्वाला था, उस बेचारे के पास भोजन भी नहीं था, है बासी रोटी
और खट्टी लस्सी उसकी माँ ने उसको दी थी दोपहर को भोजन के लिए। भगवान ने कहा सबसे पीछे से, सबका एक एक टुकड़ा खा लिया और सबसे पीछे से बुलाया, लगे भैया हे मधुमंगल। मधुमंगल घबराया, लगे मेरी पाली भी आई है, इसको क्या खिलाऊंगा। लोग तो माखन लेकर के आते हैं, मिश्री लेकर के आते हैं, सुंदर सुंदर भोजन लेकर के आते हैं, मेरे पास तो ये सूखी रोटी और खट्टी लस्सी। इसलिए इसने क्या किया, चलते चलते रोटी को भी खा लिया और लस्सी को भी पी लिया। अब वो थोड़ी सी लस्सी चंडिल जी, थोड़ी सी लस्सी यहाँ पर लगी रह गई। भगवान ने कहा अच्छा है, मेरे हिस्से की रोटी भी खा गया, आ जा। और वो जो लस्सी यहाँ पर लगी हुई थी उसको चाटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा है ये ब्रह्म जो दूसरों की झूठन खाता है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं तो परीक्षा लेकर के देखू। और वो कथा आपने सुनी है, सायंकाल के समय ब्रह्मा जी ने तमाम की तमाम गौएं और तमाम के तमाम ग्वाले और तमाम के तमाम बछड़ों का हरण कर दिया। हरण करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, हरण करके आए और आकर के भगवान की स्तुति की। महाराज मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मान प्रोद भवे कृष्णे यान प्रेमान कथां भवे। महाराज मैं आपके गुणों का कैसे गुणानुवाद करूँ, आज मेरी बुद्धि सही आ गई थी, आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा दिया और तमाम की तमाम गौ बछड़े अपने अपने घरों में गए। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय, हर हर महादेव। और आज आइए कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ। आज भगवान गायें चरा रहे हैं, आज भगवान घर में चरा रहे हैं, तो क्या हुआ, एक बांसों का जंगल था। उस जंगल में सांडिल्य जी चारों तरफ बांस ही बांस। और दोपहर के समय में जिस समय तमाम के तमाम ग्वाल वाले विश्राम कर रहे थे, वो बांस आपस में हवा के चलने से रगड़ पैदा होकर तमाम के तमाम जंगल में आग लग गई। तमाम की तमाम गो में तमाम के तमाम ग्वाल वाले सब के सब रंभाने लगे, एक नैया एक नैया बचाओ, इस अग्नि से रक्षा करो। और भगवान बोलिए नारायण भगवान की जय, हर 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 हर। क्या हुआ, तमाम के तमाम ग्वाल वालों ने प्रार्थना की और मेरे भगवान कैसे बैठ गए, मुख को खोल करके बैठ गए और तमाम अग्नि का पान कर लिया, तमाम अग्नि को पी गए, ग्वाल वालों का तमाम दुख दूर कर दिया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। आज भगवान की उम्र 7 वर्ष की है, 7 वर्ष की। और 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने बस अब तक मात्र 15 मिनट की कथा दी है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने देखा जो गोपियां थी ना, उसे गोप कन्याएं कात्यानी महायोगिन देवम देव जगत पते, वो कात्यानी देवी की उपासना किया करती थी। और कैसे, कार्तिक के महीने में तालाब में जाकर के लग्न स्नान किया करती थी। भगवान ने उन गोपियों को कई बार समझाया, जल में लग्न होकर के स्नान करना वरुण देवता का अपमान करना है, जल में लग्न होकर के स्नान मत किया करो। मगर वो कन्याएं नहीं मानी। आज भगवान ने क्या किया, उस तालाब के किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष खड़ा हुआ था। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए भगवान और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके आहिस्ता आहिस्ता जिस समय वो गोपियां स्नान कर रही थी तो सबके वस्त्रों का हरण कर लिया। जिस समय वो गोपियां स्नान करके निकली तो देखे वस्त्र तो नहीं,
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। हाँ जी, वस्त्र तो है ही नहीं, देखा ऊपर तमाम के तमाम वस्त्र लिए कन्हैया बैठा है। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं ऐसे नहीं, कन्हैया करने का पहले जल से बाहर निकलो। अब वो नग्न अवस्था में कैसे निकले? तमाम की तमाम गोपियों ने, ऐसा लिखा भागवत में, तमाम की तमाम गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, तमाम की तमाम गोपियों ने भगवान से क्षमा मांगी। कन्हैया भविष्य में कभी भी नग्न में नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करेंगी, हमारे वस्त्र प्रदान कर दो। कन्हैया ने सबके वस्त्रों को प्रदान किया और सबकी लज्जा की रक्षा कर दी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की हर हर महादेव। आइए थोड़ी सी रास की कथा कर ले। रास की कथा तो कल को भी होगी मगर आज भी प्रारंभ कर दे। रास पंचाध्यायी, रास के पांच अध्याय हैं, पांच अध्याय हैं रास के, और इनको क्या कहा जाता है? भागवत के पंच प्राण, भागवत के पांच प्राण। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जो है भगवान तमाम के तमाम गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तमाम की तमाम गोपियां भगवान के साथ रास रचाया करती थी। एक तरफ दाई तरफ की गोपी, बाई तरफ की गोपी, और बीच में कन्हैया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। वृंदावन हरि लाल की जय, हर हर महादेव, जय आज बोलिए शंकर भगवान की। आज रास के लिए शंकर भगवान कहने लगे, शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, पार्वती हमारा। ऐसा पता चला है वृंदावन में भगवान रास रचा रहे हैं, मेरे को भी रास के दर्शन करा दे। पार्वती कहने लगी, महाराज रास में तो गोपियां जाती हैं, आप कैसे जाओगे? वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, मेरे को ऐसी ही बना दे, मेरे को गोपी बना दे। मगर है, मगर मेरे को नहीं पड़ेगी। बोले नाथ ने कहा, बागों पर उतार देता हूँ, साड़ी पहना दे। कहने लगे मेहंदी भी लगानी पड़ेगी, कहते मेहंदी भी लगा दे। कहने लगे चूड़ियां भी पहननी पड़ेंगी, कहते चूड़ियां भी पहना दे। कहने लगे बाबा ऐसे नहीं है, बिंदी भी लगानी पड़ेगी है, और क्या लगाना पड़ेगा? फोटो पे माताएं भी लगाती हैं, लाल लाल ये ना लगाया करो। कहूं तुम्हें बात, माताओं के लिए विशेष तौर पर ये जो फोटो पे भी लगाना पड़ेगा। कहने लगे रगड़ गुलाब के फूल, गुंडी सोता तो रखा है गुलाब के फूल, रगड़ सारे को लाल करते, तेरे को चाहिए वो, मगर मेरे को ठाकुर जी के दर्शन करा दे, मेरे को भगवान के दर्शन करा दे। हैं? लिखा क्या